तो भी हमारे स्टेशन पे वो मोबाइल चोर का हुआ, इसलिए वो पुलिस आया। आप देख सकते हो पीछे, आपको दिख रहा होगा। फिर से आपकी ओएमजी बैकपैकर के एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ तिरुपति, मतलब श्री बालाजी मंदिर, तिरुपति तिरुमला में जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे पूरा गाइड देख सकते हो, मतलब आफ्टर लॉकडाउन कैसा हो है, पूरा तिरुपति का सीन कैसा है आफ्टर लॉकडाउन के बाद, आप पूरा देखेंगे और मैं आपको सब पूरा गाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते। गुंडम स्टेशन पे आ गए हैं और अभी हम 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे मेरी गाड़ी रुकी है। अभी बल्लारशाह से हम 3 बजे बैठे और यहाँ पे अभी 6 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे में हम रामागुंडम में आए हैं। सिग्नल लगा था बीच में इसलिए थोड़ा लेट हुआ। ज्यादा तक वापस आओ। स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अभी वरंगल स्टेशन पे कुछ तो भी हमारे स्टेशन पे वो मोबाइल चोर का लफड़ा हुआ था, तो लफड़ा हुआ इसलिए वो पुलिस आया। आप देख सकते हो पीछे, आपको दिख रहा होगा कि मतलब पुलिस आया है लफड़े की वजह से। वो कुछ तो भी मोबाइल चोर हुआ था तो वो पुलिस आया है, वो सारे कुछ तो भी सिग्नेचर लेने के लिए और उसको पकड़ के ले जाने वाले है। तो अभी वरंगल से पुलिस चढ़े है और हम अभी वरंगल में आए और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और अभी वरंगल से डायरेक्ट ये ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन को रुक रही है। तो अगर सोएंगे तो विजयवाड़ा जंक्शन मिलेंगे, अगर नहीं सोए तो विजयवाड़ा जंक्शन पे मिलेंगे। The next morning. पहुंच गए हैं। अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं। तो यहाँ से तिरुपति फ्रेंड्स 9 किलोमीटर है और हम अभी 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक तिरुपति पहुंच जाएंगे। तिरुपति पहुंच ही गए हैं तिरुपति, अभी अभी 5 बज रहे हैं और तिरुपति हम पहुंच रहे हैं। और चलिए हम अभी रूम पे जा रहे हैं और तिरुमला का दर्शन नहीं किया अभी, मतलब जब दर्शन की हमारी डेट है तभी हमें एंट्री मिलेगी तिरुमला में जाने की। तब तक हमें तिरुपति में लॉज करके रहना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अभी चलते हैं। और एक बार स्टेशन में एक का मोबाइल चोरी हो गया था, वो बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ था, मैं आपको वो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, सेकंड वाले एपिसोड में। सो फ्रेंड्स अभी चलते हैं लॉज।
हम अभी लॉज पे आ गए हैं, तो हम अभी सुबह कॉफी पीने के लिए जा रहे हैं। हो गया है तो अब हम रूम पे जा रहे हैं। रूम पे जाने के बाद हम अभी सेकंड डे का टूर अगले पार्ट में आएगा। फ्रेंड्स ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फिर से एक बार। ठीक है, रास्तों पे नहीं पड़ना चाहिए फीका।